और दोस्तों क्या हाल है आप सभी के स्वागत है आप सभी का आपके अपने शेयर में विवेक राणा स्टॉक्स में तो दोस्तों आज फाइनली बात करने वाला हूँ दोबारा से मैं एक लेटेस्ट पैन स्टॉक के बारे में और अभी स्टॉक छः रुपये का एक्सपेक्ट्रेड कर रहा है स्टॉक में अभी अपर सर्किट है तो ये मत बोलना स्टॉक में अभी अपर सर्किट है तो कल नहीं आपको नहीं मिलेगा ये स्टॉक कल क्या आपको तीन महीने दो महीने के बाद डेफिनेटली मिलेगा और जिस प्राइस में बोल रहा हूँ उस प्राइस में मिलेगा तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है क्योंकि अगर आप इंतजार करोगे डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है इस स्टॉक स्टॉक में में पर्सनली मेरा जो पैटर्न पहले बन, बना था, दो ढाई रुपए के आसपास अब दोबारा छह साढ़े छह रुपए के ऊपर बनेगा सात रुपए के ऊपर बनेगा अगर स्टॉक सक्सेसफुली सात आठ रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर देता है ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक पे बड़ी तेजी आ सकती है लेकिन अभी आपको दिखलाता हूं अभी स्टॉक पे आप क्या कर सकते हो कंपनी क्या करती है क्योंकि आज तक मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया तो दोस्तों जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ स्टॉक का नाम पी ए लिमिटेड है आज तक मैंने भी स्टॉक का नाम नहीं सुना फर्स्ट टाइम देखा है मैंने और इसको मैंने टॉप गेनर से स्टॉक को सिलेक्ट किया है ठीक है यहाँ आप यहाँ देख सकते हो टॉप गेनर का आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक सेकेंड आप यहाँ देख सकते हो ये रहा टॉप में आपको देखा पी ए ई एल ठीक है तो कुछ स्टॉक हम टॉप गेनर से भी सिलेक्ट करते हैं वहाँ से हमें एक अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं अगर आपको रिसर्च करने आती है ठीक है और ये एक ऑटो एंसरी कंपनी है मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है आप यहाँ देख सकते हो ठीक है सेल्स एंड सर्विस ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी पावर बैकअप सिस्टम्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स राइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी अगर ये काम करती है तो आपको दिखा देता हूँ आप चाहो तो यहाँ जाके स्टडी कर सकते हो वैसे यहाँ काम कर रही है ठीक है यहाँ लिखा हुआ देखो बैटरी बनाने है का काम है इसका तो क्या पता फ्यूचर में इसको एक बड़ा ए बैटरी बनाने का प्रोजेक्ट मिल जाए क्या पता आपको पहले से हिंट दे रहा हूँ क्या पता मिल जाए क्योंकि देखो होता है क्या है जो कोई बड़ी कंपनी होती है उनके बाद जब बहुत तगड़ा काम आता है तगड़ा मीन टूज है कि बहुत हैवी काम आता है तो क्या करती है वो अब वो काम अपना आउटसोर्स करती है तो वो आउटसोर्स कहाँ करेगी वो इंडिया वाले लोगों को करेगी ना और ऐसी कंपनी को ट्रस्ट करना पसंद करेगी जो ऑलरेडी पब्लिक लिस्टेड डोमेन में हो और साथ में जिसकी कुछ वैल्यू हो और वैल्यू जब आपको पता सबको यार जो कंपनी पब्लिक लिस्टेड है उसकी कितनी वैल्यू होती है ठीक है और ये जो स्टॉक है ये एनएससी बी एस दोनों में काम करता है सबसे इंपॉर्टेंट तो एन तो आपको पता है बी जिसको नहीं पता थोड़ा बहुत मैनुप्लेसन चलता है लेकिन एन में आपको पता है या नहीं चलता है थोड़ा बहुत होता है हर जगह लेकिन इतना नहीं होता जितना बी में होता है राइट तो मार्केट कैप से स्टार्ट करते साढ़े छः करोड़ का मार्केट कैप है बुक वैल्यू नेगेटिव है जैसे मैंने आपका शुरू में बोला हर चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिलती है पहले स्टॉक पे आप अपने से पूछो कि आपको क्या अच्छा स्टॉक में लगता है जैसे मैंने आपको बैटरी का एग्जाम्पल बताया तो ये सब चीज़ें होता है देखो यार जो बंदा रिक्स ले सकता है अगर बिजनेस करते तो ये बिजनेस है अब आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है अब वो कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको सौ बार बता रखा है जब आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली करके एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप अपना जो मनी मैनेजमेंट का रूल है उसको बढ़ा सकती हो ठीक है ये नहीं कि आप आज ही से सब कुछ डालना स्टार्ट कर दोगे नहीं आप धीरे धीरे इंक्रीज करो ठीक है सेल्स देखो एकदम जीरो है राइट लॉस मेकिंग है यहां भी आपको लॉस मेकिंग दिखेगी आप शेयरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर पैटर्न इंपॉर्टेंट है मेरे लिए हाँ तो शेयर पैटर्न तो मुझे अच्छा लग रहा है पचपन परसेंट के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है पचपन परसेंट के आसपास जिसमें पब्लिक की होल्डिंग फोर्टी फोर परसेंट के आसपास है अगर आप पब्लिक में क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा हाँ पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में 42 43 फोर्टी थ्री परसेंट हमें देखने को मिलती है तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है देखो मेरा लॉजिक है कि प्रमोटर्स की काफी अच्छी होल्डिंग है बस हाँ शर्त है कि यह प्लेज ना हो आई थिंक प्लेज तो नहीं होगी अगर होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन ना हो तो चलेगा यहाँ पर दिखा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडिकेटर रिमूव कर दिया है इसलिए नहीं दिखा रहा चलो कोई दिक्कत नहीं है मैनेज कर लेते हैं बाकी एन एस सी बेसिफिक ऐसा काम हो रहा है देख लेते हैं वॉल्यूम स्टॉक में थोड़ा कम होगा क्योंकि छोटा स्टॉक है ना तो देखो वॉल्यूम छः हजार के करीब है वॉल्यूम बहुत कम है ठीक है बी में देख लेते हैं तो बी में आपको देखने को मिलेगा यहां पर भी बत्तीस हजार शेयर स्लो घर लेकेट परसेंट डिलीवरी एंट्री में उठाई गई है राइट अब बात करते मुझे को अच्छा लग रहा कहा स्टॉक में सबसे अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अभी तक प्रॉपर स्टॉप लॉस तो दिखाता हूं आपको तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक के जो इमीजिएट ट्रांजिशन है वो आपके निकल के आते हैं साढ़े छह रुपए नब्बे पैसे के आसपास अगर ये स्टॉक आ, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है सिक्स रुपी सेवेंटी पैसे जो स्टॉक में एक बड़ी तेजी आएगी जो स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है दस रुपये तक तो आराम से लेके जा सकता है तो दस रुपए के इमीजिएट टारगेट रहेंगे अगर ये छः सत्तर के ऊपर क्लोज कर पाता रहे को तो यहाँ दो बार प्रयास कर लेकिन कर नहीं पाया ठीक है तो छः सत्तर के ऊपर आप बाय कर सकते हो जहाँ भी बाय कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दो पैंतालीस में अगर स्टॉक मिलता है तो आपको वहाँ पर एवरेज करना है दो पचास का मेरा फर्स्ट बाय है स्टॉक का ठीक है मेरा जो पैटर्न स्टॉक बना के आसपास बना है, दो पचास बना है। दो पचास में अगर आपको मिलता है स्टॉक तो आप बाय कर सकते हो और देखो यहाँ पर स्टॉक लगातार अपर सर्किट पर जाना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ मौका तो नहीं मिला था और मुझे लगता है पर्सनली ये मौका देगा आपको बाय करने का कहा देगा तो पहला मौका यहाँ देगा इस सपोर्ट के आसपास जो निकल के आता है तीन अस्सी के आसपास और उसके बाद दूसरा मौका देगा दो रुपए के आसपास साइकोलॉजी का गेम समझो जिन लोगों ने स्टॉक को यहाँ बाय किया होगा और उन्होंने यहाँ स्टॉक को बेचा होगा ठीक है तो वो लोग क्या करेंगे स्टॉक को पक्का तीन रुपए अस्सी पैसे बाय करेंगे तो तीन अस्सी का स्टॉक आता है तीन अस्सी अगर आता है या तीन या चार रुपए आता है तो स्टॉक को बाय करना चार रुपए का स्टॉक आपको मिलता है तो बाय पक्का करना और अगर दो पैंतालीस मिल जाए तो भैया मजा आ जाएगा फिर तो भैया ढाई रुपए और चार रुपए मिलता है स्टॉक तो मजा आ जाएगा ठीक है दो, दो रुपए पचास पैसे और चार रुपए स्टॉक मिलता है तो आप डेफिनेट स्टॉक को बाय करके चल सकते हो चार रुपए इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस बैटरी स्टॉक जो अगला ऊर्जा ग्लोर बन सकता है ये मुझे नजर आ रहा है भाई इसके चार्ट पैटर्न में ठीक है बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ नजर आ रहा है ये पहला रजिस्ट्रेंस है ठीक है जो उसने टेस्ट कर लिया है अगर ये दोबारा ऊपर जाता है तो ये इसको रजिस्ट करेगा फिर दोबारा नीचे आएगा फिर दोबारा ऊपर जाएगा क्योंकि फिर ये बनाएगा डब्लू पैटर्न ठीक है तो डेफिनेट स्टॉक को नजरों में रख सकते हो आप राइट बाकी दोस्तों जिनको नहीं पता है आ, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है तो अगर आपको प्राइवेट क्लास में आ रहा है तो यहाँ फॉलो कर सकती हो या फिर आप ट्विटर में फॉलो कर सकती हो आपको क्या करना है जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक करना है वो काम आप कर ही देते हो ठीक है वो काम को छोड़ो आपको शेयर करना है फेसबुक ट्विटर लेकिन व्हाट्सअप के माध्यम से वो करने के बाद आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम में ठीक है अगर आप मैसेज करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी प्राइवेट क्लास के लिंक्स दूंगा इस संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक्स मैंने लोगों को दिए नहीं है मैंने आप यहाँ पर स्टोरी में मैसेज कर दिया है ठीक है तो यहाँ से आप क्लिक करना आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर वो बातें आपको बताई जाती है जो शायद आपको किसी पेड कोर्स को देखने को मिले इस इस क्लास में मैंने फ्योनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करी है ठीक है फ्यवोनाची रिट्रेसमेंट क्या है आप गूगल कर लेना ठीक है मैं कैसे उसको अप्लाई करता हूँ प्रैक्टिकल वो बताया उसको सीख लो बढ़िया है ठीक है आपको उससे ये पता चल जाता है कि स्टॉक की अगली चाल क्या होने वाली है इंटरडे में खासकर अगर आपको चाल को समझना है तो मेक श्योर आप मैसेज कर देना आपको समझ आ जाएगा